अभी मेरे परिचित की अधेड़ उम्र में शादी हुई। अच्छा, तो उसने तो लिखवा कार्ड जो भेजा उसमें लिखा था मेहंदी और डाई ये रस्म सुबह 11 बजे। ये तो शुक्र है कि यहाँ इस तरह की संभावना नहीं है। अब हरियाणा के प्रेम की बात तो ऐसी है, हमारे यहाँ तो विवाह का प्रस्ताव भी अलग ढंग से रखा जाता है। हमारे यहाँ सीधा साधा प्रस्ताव नहीं होता। वो एक लड़के ने एक लड़की से कहा, बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूँ। तो लड़की बोली, पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला, ऐसा है तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? दूर की सोची। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली, तेरा दिल बड़ा कुरकुरा सा है। अरे बोले, दिल कुरकुरा कोने का तरह बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। ये आनंद सब जीवन में बहुत जरूरी है, हंसी बहुत जरूरी है जी। और अंशुल खुल के हंस रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। लास्ट टाइम। और हरियाणा का आदमी सहज हादसे में जीता है जी। मैं सही बता रहा हूँ कि कुछ दिन पहले ही घटना है। मैं दिल्ली में अपनी कार से जा रहा था, एक रेड लाइट पे खड़ा था। वो बत्ती कब हरी होगी मुझे पता नहीं था। कुछ सोच रहा हूँ ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ होगा। एक मोटरसाइकिल आई घूम घाम के मेरे पास, मेरे कार का शीशा खटखटाया। मैंने शीशा नीचे किया, बोला इससे ज्यादा हरी नहीं होगी वो। तो ये जो हादसे ही हमारे स्वभाव में, कारण ये कि हरियाणा का आदमी फुर्सत में रहता है इसलिए हादसे में रहता है। वो एक ने रिक्शे वाले को आज दी, बोले खा ली है? बोले हाँ। बोले आप ताश खेलते हैं? वो एक ने रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा, मैं पैसे कम कराने होते हैं जगह को पास बुला लेता हूँ। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला, हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिक्के जलेबी खाई भरपेट। और जब पैसे देने का नंबर आया, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबियत से धुना पीटा उसे, जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा, वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है। बोले आप तो खड़ा है जा। बोले इसी भाव एक किलो और दे दे। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लो? भाई बोले मान लो, गणित में माना जाता है। बोले माना जाता है, मान ले। बोले 2 लड्डू किसी ने ले लिए। बोले पहले तो ये बता किसने ले लिए। अरे बोले मान लो ना किसी ने ले लिया। बोला अच्छा मान लिया, तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी माननी जाएगी बस, हमारी भी मान ले भाई। बच्चों का कोई जवाब नहीं है। तो मैं तुझे किसी की नहीं हो तू। बोले अच्छा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी हो देगा। ये संवाद बहुत जरूरी है जी, ये बातचीत बहुत जरूरी है। आजकल तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है ना। कुछ स्कूलों में एक सिस्टम शुरू हो गया, वो गुरुजी क्लास में आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मान लू। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानने का? बोले इतने भात कौन भरेगा।